अथ कार्तिक महात्म्य पंचदशाध्याय नारद उवाच। Thank you।
तावत थिव वसुमती तावत न पड़े दुर्गति मृत्यु काल रे जेऊ जन तुलसी निकटे शयन तुलसी दल थिव मुंडे उदक देऊ थिव तुंडे पिंडरु प्राण छाड़ी जीव से आसी मो अंगे मिसिबो कहंती प्रभु नारायण एथो आश्चर्य कथा शुण अत्यंत पापी होइथिव अकाले अज्ञाने मरिब ता मृत्यु पिंड दग्ध काले तुलसी काष्ठ जेबे मिले दहने पकाइले नेई ता आत्मा जीव मुख्य होई हेमंत तुलसी चरित जेते कहिलु तोते सत्य एक कथाए पालिथिव जीवन दिने न तोलिब से कथा शुण सर्वदेवे ग्रहण रविचंद्र जेबे द्वादशी संक्रांति दिने अथवा चतुर्थी संपूर्णे प्रत्यह संध्या बेले निशी अशौचे न तोली तुलसी जे अबा अज्ञाने तोलिब मते दंडिबा दोष हेब पुणी कहंती वनमाली तुलसी मम अर्थे तोली एथे जे अन्य कार्य खंडे तानख घात मोर पिंडे बाजिबा प्राय हेब प्रास शुण हे सकल त्रेदश तुलसी दल मो निमते जे जन तले अविरते कर पल्लव तार धन्य किस कहिबा तार पुण्य विशेष कार्तिक मासरे तुलसी सेवा करी नरे लभिबे कैवल्य मुकते खंडिबे अशेष विपत्ति तुलसी मूले उद्यापन जे करे कार्तिक विधान से जन वैकुंठ पुरे आसी मिलिब देहांतरे लीन होइब मोर अंगे नहिले थिब मोर संगे केबे हि नहिब अंतर ए वाक्य सत्य सत्य मोर एबे हो शुण सुर गणे धात्री जे एहि परिमाणे से तेणे होइब से बासी तार सकल पाप नासी जस लभईर वितळे मोते पाइब अंतकाळे से धात्री फल पत्र जोगे तुलसी दल तहि संगे संख्या न करे देव मते तेबे संतोष मोर चित्ते पत्र गोटिके रत्नमणि फूल कांचन परिमाणी एमंते होइ वि संतोष हसी कहंते हृषिकेश शुणी संतोष देव लोके धात्री जे विशेष कार्तिके सकल सुर मुनि संगे मुथि भी धात्री वृक्ष अंगे तेणु से वृक्ष पत्र फल अकामे सुकामे न तोल आश्विन मास तोळि आणि कार्तिक आगमन जाणी जत्ने साहित्य रखिथिब कार्तिके आहार करिब स्नाहने शिर परि लिपि स्मरणे मोर नाम जपि कंठरे आभरण करि अशेष जन्म पाप हरि लाभिब जस श्री आयुष अन्ते पाइब मुनिवास धात्री छायारे जेऊ जन करिब गोविंद कीर्तन दंडके दश युग लेखि मो परे बसि हेब सुखी कार्तिके धात्री वृक्ष तले हविष्य अन्न एक बेले जे जन करिब भोजन ता पाप होइब दहन अशौच द्रव्य थिले भक्षी से दोष न लागिब किछि निर्मल होइब शरीर तेणु एला नाम तार कहन्ति प्रभु लक्ष्मीपति हेमंत तिनि वनस्पति से वृंदावती तिनि गुणे त्रिपुरा आज्ञा परमाणे अला तुलसी मालती हे तिनि मोर प्रियवती विशेष तुलसी प्रधान संसारे मोहरी समान कहन्ति प्रभु नारायण मोठारु श्रेष्ठ बोली जान
महात्म्य तुलसी महिमा कथन नाम पंचदश अध्याय।